नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। इन दिनों बिहार के शिक्षा मंत्री काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं। जब से उन्हें रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया है, तब से लगातार सियासी पारा चढ़ा हुआ है। अब उनके ही सियासी जिले से खबर निकल कर आई है, जहां कॉलेज के द्वारा छात्रों को सरस्वती पूजा मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसके बाद छात्र आक्रोशित हो गए और कॉलेज प्रशासन और छात्रों के बीच जमकर विवाद शुरू हो गया है। जिसके बाद ये मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को भी मौके पर पहुंचना पड़ा और बाद में काफी मशक्कत के बाद छात्र शांत भी हुए। आपको बता दें कि कॉलेज प्रशासन के द्वारा सीधे तौर पर छात्रों से कहा गया है कि उन्हें अगर सरस्वती पूजा मनाना है तो वो अपने घर पर ही मना सकते हैं। आपको पूरा मामला क्या है विस्तार से बताते हैं। दरअसल ये सियासी इलाका जो शिक्षा मंत्री का है मधेपुरा, वहां पे सरस्वती पूजा से जुड़े विवाद अब छिड़ गया है। चंद्रशेखर मधेपुरा सदर विधानसभा क्षेत्र से लगातार 3 बार चुनाव जीत चुके हैं और सूबे के शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन अब इनके ही इलाके में कॉलेज में शिक्षा की देवी मां सरस्वती की मूर्ति पूजन की अनुमति नहीं है। सिंहेश्वर प्रखंड के अंतर्गत बीपी मंडल अभियंत्रण महाविद्यालय मधेपुरा में आपको बता दें कि सरस्वती पूजा मनाने को लेकर छात्रों और महाविद्यालय प्रशासन के बीच बीते दिनों विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि आक्रोशित छात्रों को समझाने के लिए पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा और मेन गेट बंद कर उन्हें रोका गया। आक्रोशित छात्रों ने बताया है कि हम लोगों ने प्राचार्य अरविंद कुमार अमन को आवेदन देते हुए कैंपस में सरस्वती पूजा करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन प्राचार्य द्वारा सरस्वती पूजा में प्रतिमा स्थापित करने से मना कर दिया गया। आचार्य और फैकल्टी एसडी सिंह के द्वारा कुछ छात्रों के साथ मारपीट भी की गई है। बता दें कि छात्रों ने बताया है कि इस दौरान कई छात्रों को कमरे में बंद कर रखा गया और सभी को रेस्टिकेट करने की धमकी भी दी गई। किसी भी बात पर सीधे कॉलेज से निकालने की धमकी दी जाती है। इस तरह कई छात्रों को रेस्टिकेट भी किया जा चुका है। इस दौरान जो है कॉलेज के अंदर से एसआई ने प्रभारी थाना अध्यक्ष बबलू कुमार को अंदर रोकने जाने की जानकारी भी साझा की है। वही बता दें कि दूसरी तरफ प्राचार्य अरविंद कुमार ने बताया है कि छात्रों के द्वारा कई बार सरस्वती पूजा करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्हें मूर्ति रखने से मना करते हुए अलग अलग तीनों हॉस्टल में बड़ा फोटो लेकर पूजा करने के लिए कहा गया है। और बता दें कि सभी छात्रों ने पहले इस बात के लिए मान लिया, लेकिन 2 दिन बाद जो है इस बात को मानने से छात्रों ने इनकार कर दिया। और बता दें कि लगातार इसी पर जो विवाद है वो छिड़ता जा रहा है। तत्काल एक पत्र जारी करते हुए कॉलेज में सार्वजनिक रूप से सरस्वती पूजा मनाने से मना कर दिया गया है। जिसे सरस्वती पूजा मनाना है वो अपने अपने कमरे में ही पूजा करने की बात कही गई है। यही भी बात कहा गया है कि कॉलेज में सार्वजनिक रूप से पूजा करने से आपस में लोगों से विवाद होने की संभावना बन सकती है, जिसे देखते हुए यह कदम उठाया गया है। तो बता दें कि लगातार छात्रों के द्वारा जो ये कॉलेज कैंपस में सरस्वती पूजा मनाने की अनुमति मांगी जा रही थी, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन की तरफ से रोक लगा दिया गया और रोक के बाद ये विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस तक को भी मौके पर पहुंचना पड़ा और काफी मशक्कत के बाद छात्र शांत हुए। वहीं आपको बता दें कि जब से प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया है, तब से लगातार सियासी पारा तेज हो चुका है। और अब ऐसे में उनके ही सियासी जिले से जब सरस्वती पूजा मनाने पर प्रतिबंध लगाया गया है, उस पर भी धीरे धीरे सियासत तेज होती जा रही है। तो फिलहाल के लिए तय है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले अपने पास पाने के लिए दिए गए नंबर पर जरूर मैसेज करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।